नमस्कार, मैं कुसुम कुमारी, आप देख रहे हैं विव इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के गौरहा क्षेत्र से आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विव इंडिया न्यूज, मैं हूँ शशिकांत गिरी। आज मैं पहुँचा हूँ गौनहा प्रखंड के मझरिया पंचायत। यहाँ पे झंडोत्तोलन हुआ और अमृत महोत्सव, आज जानते हैं स्वतंत्रता दिवस है, और यहाँ देखा जाए तो काफी उत्सव, काफी उल्लास के साथ इसको मनाया गया। ग्राम के जो यहाँ पंचायत के मुखिया जी हैं और झंडा फहराए हैं। चलिए हम मुखिया जी से बात करते हैं और इसके बारे में विशेष करके बताना, परिचय दीजिए। सोलाल महतो, मुखिया पति, पंचायत मझरिया। इस दिवस के बारे में जहाँ झंडा फहराया गया काफी हर्षोल्लास के साथ, हमारे देश के आज स्वतंत्रता दिवस है, कैसा इसके बारे में कुछ? 1947 में देश आजाद हुई थी, बहुत लोग कुर्बानी और संघर्ष के बाद देश आजाद हुआ, और 1947 से आज 77वां हम लोग आजादी का दिवस मना रहे हैं, बहुत खुशी और उल्लास की बात। सर अपना परिचय दीजिए। मैं कृष्णा राम, पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत राज मझरिया प्रखंड गौनहा हुआ, जिला पश्चिमी चंपारण हुआ। मैं इस पंचायत का पंचायत सचिव हूँ। आज का जो यह 15 अगस्त जो दिन है, यह राष्ट्रीय पर्व के रूप में पूरे देश भर में मनाया जाता है। हमारा देश हजारों वर्षों तक गुलाम रहा, इसको स्वतंत्र करने के लिए हमारे पूर्वजों ने, बड़े बड़े नेताओं ने अपनी जान की आहुति दी, जिसके परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 को मेरा देश स्वतंत्र हुआ, जो हम लोग पूरे राष्ट्र में एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते। बहुत अच्छी बात है। सर अपना परिचय दीजिए। अपना मेरा नाम विकास कुमार सिंह, सरपंच पुत्र। 15 अगस्त 1947 को मेरा देश आजाद हुआ था, उसी के चलते हम लोग भी देश का मना रहे हैं। हम लोग बहुत खुशी है आज का दिन हम लोग का, ये ऐसा जितना पहले ये सब हम लोग के जितना पहले मैंने पूर्वज थे वो भी मना रहे थे, ये बहुत हम लोग मैंने बहुत कष्ट। 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, इसी की खुशी में हम लोग 15 अगस्त के भांति, हम हर साल की भांति आज भी हम झंडोत्तोलन करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। मेरा कर्तव्य यही है और हम सभी जनताओं से कहेंगे कि 15 अगस्त या 26 जनवरी को आप लोग जहां भी रहें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमा शंकर सोनी है। जी जी, अभी झंडा फहराया गया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? झंडा तो 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तब से लेकर अभी तक हम लोग फहराते आ रहे हैं, हम बहुत खुशी की बात है कि हम लोग को झंडा फहराने का समय। क्या नाम है आपका? पप्पू मंडल। अच्छा, अभी जो झंडा फहरा, कहाँ से आप, क्या है? मसही से है। मसही से क्या है? जनप्रतिनिधि। जनप्रतिनिधि है। स्वतंत्रता दिवस के बारे में क्या कर रहे हैं? बहुत अच्छा है, हर एक साल हम लोग मनाते हैं। 15 है, मैं मझरिया पंचायत के ग्राम कचहरी सचिव हूँ, मेरा घर बेलवा ग्राम जी। आज 15 अगस्त है, 15 अगस्त के शुभ अवसर पर मुझे कुछ कहने या सुनने की मौका मिला है। मझरिया पंचायत के जो उप सरपंच है उनसे हम मिलते हैं, उनका परिचय हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? जुगंदर राउत। अच्छा, अभी झंडा फहरा है, कैसा लगा? बढ़िया लगा। बढ़िया लगा, हाँ खुशी की बात है। हाँ, मझरिया पंचायत में झंडा फहराने आए, खुशी की बात है। आप क्या है? उप सरपंच है। क्या नाम है आपका? जुगंदर राउत। झरिया पंचायत के जो मुखिया है इनसे हम मिलते हैं और बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सुनीता देवी। कहाँ से आप मुखिया? मसही से। अच्छा, अभी ये झंडा फहराया गया, इसके बारे में कुछ? हमने झंडा ये फहराने साल बढ़िया से, ये साल भी फहराया है। हाँ, ये साल बढ़िया से फहराया है। बेहतर उपचार, सुरक्षित परिवार, जब मामला हो सेहत का तो समझौता कैसा? जी हाँ, आपको सभी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए खुल गया आपके शहर रामनगर में गुड हेल्थ क्लिनिक, जहाँ आपको आपके स्वास्थ्य के लिए मिलेगा 24 घंटे उपचार की सुविधा, जहाँ कम खर्च में डॉक्टर आई आलम के द्वारा मिलेगा बेहतर इलाज, जहाँ जोड़ दर्द, साइटिका, चोट, सूजन एवं टूटा फूटा प्लास्टर एवं ऑपरेशन की सुविधा, बुखार, खांसी, सर्दी, निमोनिया, दम फूलना, जलन होना, पेट, छाती, गुर्दा, लीवर, किडनी, प्रोस्टेट, पेशाब की थैली का उत्तम इलाज, महिलाओं के बच्चेदानी, मासिक गड़बड़ी, सफ़ेद पानी एवं ब्लड गिरना, लिकोरिया, गांठ हो जाना, बांझपन एवं पथरी के मरीज का 100% सफल इलाज,
गुड हेल्थ क्लिनिक का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के नारायणापुर वार्ड नंबर 10 SN पब्लिक स्कूल के समीप।